Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. सर आज बजट पेश हुआ है, किस तरह का बजट पेश हुआ, कितने का है, इसमें किस तरह के शहर के विकास को समाहित किया गया है? देखिए, आज हमने करीबन 1681 करोड़ के बजट को पेश किया है और ये जो बजट है वो पूर्ण रूप से मीरा भाईंदर की आम जनता को देखते हुए सभी श्रेणी के, सभी जाति धर्म के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को हम लोगों ने बनाया है, जिससे मीरा भाईंदर के अंदर विकास हो पाएगा, यहाँ की जो जनता है उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो बढ़ेगा, यानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी की सारी सुविधाएं आने वाले समय पर इस बजट के माध्यम से जरूर उपलब्ध होगी। इसमें किन किन योजनाओं पे ज्यादा पैसा खर्च करके शहर को अलग तरीके से डेवलप करने का? जैसे कि आप लोगों को बताऊंगा, सबसे पहले जो कि हमारे शहर में पहले काफी सारे खड्डे थे, तो मीरा भाईंदर की सड़कों को खड्डा मुक्त करने के लिए हम लोगों ने करीबन 130 करोड़ रुपए की इस बजट में तरतूद की है, जिससे आने वाले समय में सभी रोड जो है वो कंक्रीट रोड हो जाएंगी और खड्डा मुक्त हो जाएंगी। साथ ही में हम लोगों ने महिला बाल विकास के क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की तरतूद की है। जो आप राष्ट्रीय महामार्ग आप जानते हैं, जो कि ब्रिज फ्लाईओवर जो बना हुआ है काशी मीरा पे, वहां पे उसके नीचे काफी गंदगी थी, काफी गंदी जगह पड़ी थी, उस जगह को हम लोगों ने सौंदर्यीकरण करने के लिए वहां पे एक नया गार्डन का निर्माण किया है। वहां पे पेन पार्क का भी हम लोग निर्माण करेंगे, जिससे वहां की जगह सुंदर बने, उसके लिए हम लोगों ने करीबन 4 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। परिवहन सेवा के लिए हम लोगों ने नई बसेस के लिए 12 करोड़ रुपए का हम लोगों ने प्रोविजन किया है। घोड़बंदर किले के लिए हम लोगों ने करतूत की है, विशेष रूप से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी, उनके कलाकारान के लिए हम लोगों ने करीबन 10 करोड़ रुपए की करतूत की है। और कई सारे ऐसे कार्य है जो आने वाले समय में मीरा भाईंदर के अंदर आम जनता के लिए उपलब्ध होंगे इस बजट के माध्यम से।